8 मिनट तक सीएम साहब पुराने बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को दो दो तीन तीन बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। ये सुराज सुराज की बात शुरू करी थी इन्होंने, ये सुराज नहीं कुराज ही है। इशू लीक होने का, क्योंकि लीक नहीं हुआ है ये तो इनके ऑफिसर्स के बीच में, पर इशू जो है वो ये है कि कोई मुख्यमंत्री बिना अपने बजट को पढ़े या देखे उस सुबह ये डॉक्यूमेंट को लेके आता है हाउस के अंदर इतनी केयरलेसनेस के साथ। अगर वो अपने बजट को इतनी केयरलेसनेस के साथ पेश करते करने के लिए आया है तो आप ये समझ सकते हो कि अपने प्रदेश को किस तरीके से चला रहा है, और अगर इसी ढंग से चला रहा है तो उस प्रदेश का भट्टा तो बैठना ही है।